गुजरे जमाने की शान जावा बाइक अब फिर से नए अवतार में, शोरूम आपके शहर सागर में भी उपलब्ध। तो आज ही लीजिए नई जावा बाइक, पता जावा शोरूम, बरसा इंडस्ट्रीज के बाजू में, भगवानगंज सागर। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अब एक दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा, जयमाला वगैरह सब हुई, लेकिन एक नेंग के पीछे इतनी बात बिगड़ी कि दूल्हा सहित पूरी बारात को दुल्हन वालों ने खदेड़ कर भगा दिया कदम से। दुनिया भर की तमाम बरातों में दूल्हे और उसके पिता भाइयों को सलाह देने के लिए ऊपर वाले भगवान ने फूफा और जीजा नाम के दो प्राणी बनाए हैं कसम से, जो हर शादी में एक सेकंड के 22वें भाग में रूठ जाते हैं और 17 लोगों के मान मनौवल से यह मानते हैं कसम से। इस शादी में जब दुल्हन को दूल्हे के पिता एक नेंग में जीजा और फूफा की सलाह से 500 रुपए देने लगे, तो दुल्हन ने 500 रुपए फेंक दिए। जीजा और फूफा की सलाह से रकम डबल कर दी गई, लेकिन दुल्हन ने 1000 रुपए फिर भी फेंक दिए। बस यहीं से बात बिगड़ गई। फिर उसके बाद जो हुआ उसमें दूल्हे की किस्मत तो फूटी ही, कमबख्त दुल्हन के घर वालों ने दूल्हा सहित पूरी बारात को खदेड़ कर अपने घर से भगा दिया कसम से। जिनके पिताजी हैं उन्होंने पहले 551 रुपए दिए, लड़की ने फेंक दिए, ठीक है। फिर उनके पापा ने 1051 कर दिए, फिर लड़की ने फेंक दिए। फिर उसके बाद लड़के को थोड़ा अलग है, मतलब बेइज्जती सी समझ में आई, तो लड़की ने इतना कहा कि पापा 5000 दे दो, ठीक है। तो इसी बात पे विवाद हो गया, धीरे 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 करके विवाद हो गया। फिर पुलिस बुलाई, पुलिस ने भी कोई मतलब सुनवाई नहीं की, वहाँ कोई सुनवाई नहीं की। और चढ़ा भी चढ़वा लिया, जेवर भी सब रख लिया, और इधर सारा सामान भी पड़ा है, और बारात को मारपीट के धक्का 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 धुक्की करके लड़का बच्चों को भी, जो लेडीज थी उन्हें भी भगा दिया। अब दूल्हा बिना दुल्हन के वापिस आ गया था। यूपी के हमीरपुर से यह वायरल वीडियो जबरदस्त सुर्खी बटोर रहा है। बताया जाता है कि हमीरपुर के बड़वा गांव से सरीला तहसील के बोखर गांव में दूल्हा बारात लेकर पहुंचा था। बारात ठीक समय पर पहुंच गई थी। बारात का स्वागत रजनीगंधे गुटके से हुआ था। दूल्हा 13,500 का सूट पहने और पगड़ी पहने जच रहा था। कमबख्त जूता चोरी ना हो, इस वजह से दूल्हे ने सस्ते जूते पहने थे कसम से। जयमाला हुई, सोने चांदी का दुल्हन को चढ़ावा चढ़ गया। एक नेंग था जिसमें दूल्हे के पिता ने जीजा जी फूफा जी के कहने पर 500 रुपए दुल्हन के हाथ में रखे। दुल्हन ने वो 500 रुपए फेंक दिए। फिर जीजा की सलाह पर 1000 रुपए रखे, दुल्हन ने वो भी रुपए फेंक दिए। दूल्हे ने अपने पिता को इशारा किया कि दुल्हन 5000 रुपए मांग रही है, दे दो माने दे दो, लेकिन जीजा और फूफा जी अड़े थे। 1000 से 1,54 ज्यादा नहीं देंगे माने नहीं देंगे कसम से। बस इसी को लेके विवाद बढ़ा और फिर बारात बेआबरू होकर दुल्हन के कूचे से डरी हुई, सहमी हुई, बड़ी बेइज्जत होकर भगाई गई, जो वापस घर आ गई कसम से। दूल्हा खाली हाथ वापस आ गया था। नेंग दस्तूर में 1-2 हजार ज्यादा लगे, फौरन दे देना चाहिए। कभी जूता चोरी में जीजा और फूफा की सलाह पर बवाल होता है, इस वजह से सलाह थोड़ी कम लेनी चाहिए। खुद की शादी है, खुद ही दिल खोल कर खर्च करें, नहीं तो बिना दुल्हन के घर वापिस आना पड़ सकता है कसम से। उम्मीद है कि जिनकी शादी आने वाले दिनों में है वो ऐसी बातों का ख्याल रखेंगे कसम से। वीडियो वायरल है जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन दुल्हन के बिना बेरंग लौटी है बारात, इस इलाके में बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है कसम से। संदीप सैनी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, हमीरपुर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।